तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मैं मोटो ब्लॉग लेके आपके लिए, और जो कि हिमाचल प्रदेश और अन्य इलाकों में काफ़ी मूसलाधार बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। और चलिए स्टार्ट करते हैं मोटो ब्लॉगिंग। तो अभी मैं धर्मपुर से निकल चुका हूँ 5 किलोमीटर दूर, और ये है भंगराव पुल, और टाइम हो चुका है 6:40। 6:30 बजे निकला था मैं, 6:20 तक। तो काफ़ी बुरे हाल है, देख सकते हैं आप। तो आगे और दिखाते हैं आपको। तो इस वक्त बहुत ही आराम से चलानी चाहिए बाइक वगैरह सब कुछ, और काफ़ी बहुत तगड़ा नुकसान हो चुका है लोगों का। यहाँ तक कि यहाँ पे रोड भी आधे हो चुके हैं जिसके। मैं अभी चलाऊँ 30-35 की स्पीड में, अगर ज़्यादा स्पीड लूँगा तो कंट्रोल नहीं करी जाएगी बाइक। रास्ते में बिल्कुल ही मड है, चिकट जिसको बोलते हैं हमारे देसी भाषा में। तो बड़े आराम से चल रहा हूँ मैं अभी। वन बस 2 घंटे 22 रोक रहा है जो कि मैं घर पहुँच जाऊँ। और देख सकते हैं रोड पे बिल्कुल पानी पानी है। यहाँ पे तो कई जगह होटलों के सामने इतना बुरा हाल हुआ हुआ है कि पूछो मत, इतना बुरा हाल है। ये आ गया है वो वाला मंजर खतरनाक, जहाँ की जो कि यहाँ पे लेह लद्दाख की याद दिला देता है हमारे को। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब रोड तो है ही नहीं है। ले लद्दाख पूरा बना हुआ, ले लद्दाख। तो थोड़ा यहाँ से मैं दिखा देता हूँ मैं आपको, पर मैं जो ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा नीचे वो जा चुका है एरिया। सेफ एंड घर से बाहर मत निकले जितना हो सके, बाहर को तो निकलना पड़ता है, थोड़ा ड्यूटी का भी होता है वैसे भी सामान है। पर मैं भी सोच रहा हूँ कि कहीं और देख लेता हूँ घर की तरफ नज़दीक, तो सोच रहे हैं उसके बारे में। स्पीड तकलीफ है क्योंकि जल्दी जल्दी बन रहा है। अभी हमारा वाला रोड भी बहुत ख़राब है,
लड्डू आराम से। खटों में खचा खच रोड है क्या है, बन चुका है यहाँ पे मंजर और बहुत कटिंग करनी पड़ रही है, बार बार साफ बनाना पड़ रहा है मेरे को बाइक का खड्डों से बचने के लिए। और मौसम भी करता हुआ छा रही है, लेट ही है ना बस मेरे को बाकी तो बच गई जो और एक गाड़ी वाले रुकते भी नहीं, आराम से भी चलते कि भाई बंदा आ रहा है आते से बस रगड़ा रख रहा है। तो गाइस यही था हमारा छोटा सा व्लॉग आज का, और आगे मैं आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट्स भी फोटोज भी डाल दूँगा इसमें दिखाने के लिए, क्योंकि अब बहुत ही बारिश तेज़ होने वाली है और जल्दी से जल्दी घर पहुंचते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। एंड बी सेफ, घर से मत निकले जब तक ज़रूरत ना हो किसी चीज़ की, बहुत ही